जी, तो मैं बात कर रहा था कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एसपीआर और बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट हैं। और ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से हमें पता करना है कि पैसा हमारे पास आया है या पैसा हमारे पास से गया, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ और आप ध्यान दीजिएगा इसको, कि भाई कंपनी के पास जो है प्रीवियस ईयर पिछले साल में आपको जब कैश फ्लो बनाने दिया जाता है, तो आप 2 साल की वैल्यू आपको दे दी जाती है, ठीक है। आपको करंट ईयर का डाटा भी दे देते हैं और आपको प्रीवियस ईयर का भी डाटा आपके सामने रख देते हैं। अच्छा सर, तो करंट ईयर, प्रेफरेंस ईयर, प्रीवियस ईयर के डाटा से आपको बताना है कि इक्विटी शेयर्स में कितना पैसा आया या प्रेफरेंस शेयर्स में कितने पैसे आए या गए, ये आपको इसका अंदाजा लगाना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लेते हैं पिछले साल जो है कंपनी के पास इक्विटी शेयर 10 लाख का था, अब हो गया है बेटा 15 लाख। तो अगर कंपनी के पास शेयर्स बढ़ रहा है तो रखे रखे तो बढ़ता नहीं है, आपने शेयर्स को इशू किया था और इशू करने के लिए आपने पब्लिक से लिए होंगे पैसे, क्योंकि जब शेयर्स किसी को देते हैं तो आप उसे क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो बेटा इसका मतलब है कि 10 से जैसे 15 लाख हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने लिए होंगे पैसे, तो आपके पास आया होगा पैसा, इनफ्लो हो रहा है। इसी तरीके से जब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स बेटा पहले 10 लाख का था, अब जाके ये 12 लाख का हो गया, इसका मतलब आपने शेयर्स को यहाँ पे भी इशू किया होगा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा बेटा, इनफ्लो। एसपीआर पहले कुछ भी नहीं था, अब 1 लाख है, इसका मतलब कि जब आपने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स वगैरह को जब इशू किया होगा आपने, मैंने इसमें ना एक चीज लिखना भूल गया, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, वो था डिबेंचर, ये था बेटा डिबेंचर्स और लोन, ठीक है। हाँ, तो जब आपने डिबेंचर्स को इशू किया होगा या आपने इक्विटी शेयर्स को इशू किया होगा या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया होगा, तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिया जाता है। जब ये इशू होता है तो क्या लिया जाता है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका मतलब ये है कि आपका ये भी क्या हुआ, इनफ्लो हो गया, आपके पास पैसा आया होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास पहले 10,000 रुपए का था, अब बैंक ओवरड्राफ्ट 0 हो गया, इसका मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट की आपने क्या करी है बेटा, पेमेंट कर दी। अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दी है तो ये पैसा आपके पास से चला गया होगा, ठीक है जी। लोन आपके पास बेटा 10 लाख रुपए का था शॉर्ट टर्म, और आपके पास अब बच रहा है सिर्फ 8 लाख का, इसका मतलब क्या है, लोन की पेमेंट आपने कर दी है। भाई जब कर्ज आपके पास 10 लाख रुपए का लोन का था और अब कर्ज बच रहा है सिर्फ 8 लाख, इसका मतलब आपने क्या करा है बेटा, आपने उसकी पेमेंट कर दी होगी। तो पेमेंट कर दी है, इसका मतलब पैसा आपके पास से क्या हो गया, चला गया। डिबेंचर्स की बात करें, पब्लिक, आपके पास डिबेंचर 15 लाख का था, अब डिबेंचर बच रहा है 12 लाख रुपए का। हमने ये एजम्पशन ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि डिबेंचर हमारे पास 15 लाख था बैलेंस शीट में और अब हमारे पास 12 लाख है, इसका मतलब 3 लाख रुपए का डिबेंचर आपने क्या किया, उसको रिडेम्पशन कर दिया होगा, आपने पेमेंट कर दिया होगा जिसके पास से पैसे चले गए होंगे। यही चीज हमने लोन की बात करें, लोन हमारे पास पहले कुछ नहीं था, अब जाके हमारे पास 12 लाख रुपए का लोन है, करंट ईयर में लोन है, प्रीवियस ईयर में था ही नहीं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने लोन लिया है, आपने कर्ज के तौर पे लोन लिया और आपके पास फिर पैसे क्या हुए होंगे बेटा, पैसा आपके पास आया होगा। तो आप जब कंपेयर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये कर्ज बढ़ क्यों रहा है। भाई मेरे पास अगर 1 लाख रुपए का कर्ज है किसी का और वो कर्ज 5 लाख का हो जाए, इसका मतलब कैसे हो गया 5 लाख, रखे रखे तो हुआ नहीं होगा, मैंने जाहिर सी बात है उसमें क्या क्या होगा, मैंने कर्ज बढ़ाए होंगे और कर्ज लिया होगा, इस वजह से वो बढ़ गया, ठीक है जी। तो मैं वापस से आता हूँ, जब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए पूरे बैलेंस शीट में आप क्या देखेंगे, तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे सर मैं शेयर होल्डर्स फंड देखूंगा, मैं नॉन करंट लाइबिलिटी को चेक करूंगा, और किसको चेक करूंगा, करंट लाइबिलिटी को। फिर मैं बात करूंगा शेयर होल्डर्स फंड में क्या देखोगे, तो आप बोलोगे 3 चीजें, एक है बेटा इक्विटी शेयर्स देखेंगे सर हम, एक है प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे, और एक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देखेंगे। अच्छा सर, नॉन करंट लाइबिलिटी में आप क्या चेक करोगे, तो बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी में हम चेक करेंगे सर डिबेंचर्स को, कि डिबेंचर है अगर तो कितना क्या हुआ है, और दूसरा हम चेक करेंगे किसको बेटा, लोन को। और करंट लाइबिलिटी में बेटा, करंट लाइबिलिटी में हम चेक करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को और करेंगे शॉर्ट टर्म लोन को। तो बस इतनी चीजें आपको देखनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसी से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाना है, तो बैलेंस शीट में ये इन्फॉर्मेशन को हमें चेक करना होता है, ठीक है सर। हम चेक कर लेंगे, हमें ये भी पता चल गया कि सर ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इनफ्लो आउटफ्लो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, तो आप ध्यान से देखिएगा, जब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या किसी और चीज में कोई चेंज आएगा तो आप किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, मैं आपको समझा रहा हूं कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स
और SPR, ये तीन चीजें अगर ये इंक्रीज हो रही हैं तो आप लिखेंगे किस वजह से इंक्रीज हुई होंगी बेटा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, शेयर्स इशू किया होगा इस वजह से ये इंक्रीज हुआ होगा और पैसा आया होगा, ये इनफ्लो है। लेकिन सर ये डिक्रीज अगर हो जाए तो उसे आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, आउटफ्लो ऑफ कैश, बिल्कुल सही है। लेकिन रीजन क्या है डिक्रीज होने का, तो उसे हम लोग कहते हैं बाई बैक, क्या बोलते हैं बेटा, बाई बैक, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा सर, सर प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ गया तो क्या बोलेंगे सर, बेटा प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ जाएगा तो बोलोगे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ जाएगा तो पैसा हमारे पास आएगा या जाएगा, बेटा पैसा हमारे पास आएगा। अच्छा सर घट गया तो हम बोलेंगे रिडेम्पशन, बायबैक नहीं बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे हम लोग, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। ठीक है सर। सर एसपीआर अगर बढ़ गया तो, क्लियर है, एसपीआर आपके पास जब क्वेश्चन में होगा बेटा बढ़ता हुआ ही दिखेगा, घटता हुआ एसपीआर आपको नहीं दिखेगा, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है घटने वाला। ठीक है, अगर घटता हुआ दिख जाएगा, वैसे तो नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन में ही बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो एसपीआर में अगर इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज आप लिख सकते हैं सीधा, इशू वगैरह नहीं लिखेंगे, इंक्रीज इन एसपीआर ऐसे करके ही आप लिखेंगे। सर जब भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एसपीआर इंक्रीज होगा इसका मतलब पैसा आया है, और अगर ये डिक्रीज होता है इसका मतलब पैसा गया है। लेकिन लैंग्वेज क्या लिखेंगे इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए जी, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं डिबेंचर और लोन पे, कि सर अगर हमारे पास डिबेंचर है और डिबेंचर की वैल्यू बढ़ रही है तो बेटा हम लिखेंगे उसको इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा सर, लेकिन सर अगर ये घट जाए तो बेटा आप लिख देना इसके लिए रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा सर, सर लोन के बारे में क्या कहेंगे आप, आइए बेटा लोन के बारे में बात कर ले। लोन की वैल्यू इंक्रीज हो तो आप इंक्रीज इन लोन लिख सकते हैं, रेजिंग ऑफ लोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं इंक्रीज, इंक्रीज इन लोन या रेजिंग ऑफ लोन। और घट जाए सर तो लोन की, लोन की घटने की क्या वजह होती है बेटा, लोन की घटने की वजह होती है पेमेंट, पेमेंट ऑफ लोन। लोन के बाद आते हैं, अब लोन के बाद हमारे पास है एक्टिविटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए भी इंक्रीज इन बैंक ओडी और घट जाए तो पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट आप लिखेंगे। तो ये बात हो गई हमारे फाइनेंस की। ठीक है, बैलेंस शीट में हमें ये सारी चीजें देखनी है। इसके देखने के बाद आपको उसमें अगर वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, तो आपको क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, अब एक बात बात करते हैं कि सर हमने कर्ज लिया था, हमने कर्ज लिया इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से, हमने कर्ज लिया डिबेंचर के नाम पे, लोन के नाम पे, हमने कर्ज लिया बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन के नाम पे, तो सर कोई कर्ज देगा तो कुछ हमसे लेगा कि नहीं लेगा। बेटा जब कोई कर्ज देगा ना तो आपसे चीजें जरूर मांगेगा कुछ, जैसे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर वाले जब कर्ज लेते हैं तो आपसे क्या मांगेंगे, डिविडेंड। डिबेंचर लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन पे आपसे क्या मांगा जाएगा, वो मांगेंगे आपसे इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन वगैरह पे जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो भी फाइनेंस का पार्ट है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया वो फाइनेंस का पार्ट है, और उसके बदले में अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी फाइनेंस का पार्ट है। तो क्या क्या फाइनेंस के पार्ट में, इसके अलावा ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, ये तो आप देखेंगे बेटा बैलेंस शीट में। ये करंट लाइबिलिटी कहां देखेंगे, बैलेंस शीट में। शेयर होल्डर्स फंड कहां देखेंगे, बैलेंस शीट में। लेकिन शेयर होल्डर्स फंड पे जो डिविडेंड पे होगा वो बैलेंस शीट में नहीं होगा। नॉन करंट लाइबिलिटी डिबेंचर और लोन जो है उस पे जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखेगा आपको। और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन पे भी जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो बैलेंस शीट में नहीं होगा, वो आउटसाइड दी बैलेंस शीट हो गए इन्फॉर्मेशन, या आपको उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। आइए जी, तो आपके पास इसके अलावा फाइनेंस में और क्या जाता है, दो चीजें जाती हैं बेटा, एक हो जाती हैं आपके पास डिविडेंड, ठीक है जी, और दूसरा जाता है आपके पास से क्या जाता है बेटा, इंटरेस्ट। एक क्या जाती है, डिविडेंड, और दूसरा क्या जाता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट हो, इंटरेस्ट लोन पे हो सकता है, इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म लोन पे हो सकता है, सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका भी वही होता है जो बचपन से हम लोग करते हुए आए हैं। डिविडेंड के बारे में कहानी यह है कि डिविडेंड हमारे पास दो तरीके के हैं। एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन सुन लेंगे फिर जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
डिविडेंड हमारे पास कितने तरीके के हैं बेटा? दो तरीके के डिविडेंड। एक है बच्चे प्रपोज डिविडेंड, और एक है बेटा एंट्रीम डिविडेंड। ठीक है जी। डिविडेंड क्या होता है बेटा? डिविडेंड कंपनी का जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कंपनी जो अपने प्रॉफिट में से जो उसको हिस्सा देती है उसको डिविडेंड कहते हैं, बस और कुछ नहीं। यानी प्रॉफिट का जो शेयर उसको दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है सर? बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो उसको हिस्सेदारी दी जाती है, जो प्रॉफिट आता है उसको बंटता है उन दोनों में, तो उसे डिविडेंड कहते हैं। अब ये दो तरीके के डिविडेंड है, एक है प्रपोज डिविडेंड और एक है एंट्रीम डिविडेंड। बेटा एंट्रीम डिविडेंड का मतलब ये हुआ कि मैं इसका एग्जाम्पल एक आपको देता हूँ, और जो सभी को मैं देता हूँ इस ये एग्जाम्पल, कि भाई आपका ना प्री बोर्ड अभी चल रहा है, और आपके गार्जियन ने बोला कि बेटा प्री बोर्ड में आपके पास अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम आपको जो है मोबाइल दिलवा देंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं कि भाई आपका जो एडमिशन है, आपका जो 12th है, वो चल रहा है 2020 से लेके 2021, 2021 मार्च में खत्म हो जाएगा। हम मान के चलते ये तो हमारा डेट एक्सटेंड हो गया, लेकिन हमारे जो अकाउंटिंग ईयर है उसी के हिसाब से हमारी स्कूलिंग भी चल रही होती है। अच्छा सर, तो पापा ने यहाँ पे आपसे वादा किया कि अगर रिजल्ट अच्छा हुआ हाफ ईयरली का, रिजल्ट अच्छा हुआ आपका प्री बोर्ड का, तो हम आपको गिफ्ट देंगे। तो वो गिफ्ट कब दिया जाएगा? फाइनल के बाद दिया जाएगा या हाफ ईयरली के बाद दिया जाएगा? तो सर हाफ ईयरली के बाद दिया जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है, इसी सेशन के अंदर वो चीज मुझे मिल जाएगा, वो अवार्ड जो मिलेगा मुझे इसी सेशन में मिलेगा, बाद में नहीं मिल रहा है। तो एंट्रीम डिविडेंड का मतलब यही है कि कंपनी कहती है कि भाई इस हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में जो डिविडेंड के लिए वादा करती है कि इस बार प्रॉफिट अच्छा हुआ तो हम आपको डिविडेंड देंगे। जनरली क्वार्टरली प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, तो उनको डिविडेंड दिया जाता है। यानी जिस बार आपसे वादा किया गया उसी बार आपकी पेमेंट कर दी गई, उसे कहते हैं एंट्रीम डिविडेंड। क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ और उसी में से आपको हिस्सेदारी बांट दी गई। सर यहाँ की बात बताइए तो बेटा, यहाँ की बात यह है कि आपसे 2020 और 21 के रिजल्ट के बारे में ये बोला गया कि बेटा अगर फाइनल का रिजल्ट अच्छा हुआ, अगर फाइनल का रिजल्ट अच्छा हुआ तो हम आपको गाड़ी लेके देंगे, बाइक लेके देंगे, स्कूटी लेके देंगे, ऐसे वादे किए गए। तो फाइनल का रिजल्ट आएगा कब भाई? फाइनल का रिजल्ट तो अगले सेशन में आएगा, अगले साल आएगा, इस साल तो आएगा ही नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो इस साल आपसे वादा किया गया है, लेकिन रिजल्ट आते आते वो 2021-22 पहुंच जाएगा, है ना? क्योंकि मार्च में आप पेपर अगर देते हैं तो वो कब पहुंच जाता है बेटा? मई जून में रिजल्ट आता है, तो उसके बाद ही तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये प्रपोज्ड हो गया। प्रपोज मतलब जब फाइनल प्रॉफिट आपका अच्छा होगा, हम आपको 2% 5% डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फाइनल कंपनी का जो रिजल्ट होता है, मार्च में जाके बैलेंस शीट बनती है, फिर उसकी कैलकुलेशन होते होते जो है ना, आप समझ लो 4-5 महीने गुजर जाता है, तो उसको नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है। तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड का मतलब है कि करंट ईयर वादा किया जा रहा है, पे आपको नेक्स्ट ईयर किया जाएगा डिविडेंड। एंट्रीम डिविडेंड का मतलब है कि वादा भी इसी साल किया गया और पेमेंट भी इसी साल होगा। ठीक है? अच्छा सर, हमें क्या करना है बेटा? हमें ना दोनों इंफॉर्मेशन दी होगी, हमें सिलेक्ट करना है फाइनेंस के लिए। तो फाइनेंस के लिए क्या है? एंट्रीम डिविडेंड हमें चाहिए होता है फाइनेंस के लिए। कौन से ईयर का दे रखा चाहिए होता है बेटा? तो ये चाहिए होता है हमें करंट ईयर का। सर प्रपोज डिविडेंड हमें कौन सा चाहिए? तो बेटा प्रपोज डिविडेंड हमें चाहिए होता है प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड कौन सा चाहिए हमें? प्रीवियस ईयर का। और एंट्रीम डिविडेंड हमें कौन सा चाहिए? करंट ईयर का। बात समझ में आ गई? नहीं आई सर, एक बार और बता दें, फिर से आते हैं बेटा, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी। हमने पढ़ा है कि इक्विटी शेयर्स फाइनेंस में बैलेंस शीट में से कुछ चीजें लेने वाले थे, जैसे था इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर्स, लोन, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा और क्या आता है? तो आता है बेटा इंटरेस्ट, और क्या आता है? प्रपोज डिविडेंड, और क्या आता है? एंट्रीम डिविडेंड आता है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई बात? अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी तक बताई है वो सब का यूटिलाइज किया जाएगा, और तब आपको फाइनेंसिंग अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? 2-4 क्वेश्चन करेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने है, इलस्ट्रेशन नंबर 37।
तो फाइनेंस की कुछ बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, देखते हैं करके कि इसमें फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो हमने आपको बोला था उस पॉइंट को आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट में से जो चीज़ आपको देखनी है वो इक्विटी शेयर्स थी बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स थी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये चीज़ें आपको जो बैलेंस शीट के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। और ध्यान रखेंगे जब ये पॉइंट्स आपको याद नहीं हो ना आप क्वेश्चन की तरफ मत जाए, अगर आप चाहें तो वीडियो रोक दीजिए, पहले आप उन चीज़ों को पहले याद कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट थे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बढ़ेंगे, उससे पहले नहीं बढ़ेंगे। आप पता लगा याद ही नहीं और आप क्वेश्चन पे आ गए तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आइए बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप रोक के कर लेंगे, याद करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आप 37 में, आप अगर देखें तो लिखा हुआ फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको बतानी है, ठीक है सर। उसमें इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स की वैल्यू है, एसपीआर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी है वो जो कि गिवन है। सर ये बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट कैसे आ गया? बेटा यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि बैलेंस शीट है ये, ऐसा कहीं लिखा हुआ कि बैलेंस शीट है, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे रखी है बस। ओके सर, तो इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू थी आप चेक कीजिए, तो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 4 लाख से कितनी हो गई है? 5 लाख। सर करंट ईयर प्रीवियस ईयर में कंपेयर करना है? हाँ बेटा, पिछले साल के मुकाबले करंट ईयर की जो वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की इंक्रीज हो गई है, 4 लाख से कितना हो गया? 5 लाख, यानी 1 लाख रुपए का इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो गया। सर 1 लाख का जो इंक्रीज हुआ वो इनफ्लो ही तो कहेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, इनफ्लो ही होगा, लेकिन आप लिखेंगे क्या? मैंने आपको बताया था इंक्रीज के वक्त क्या लिखते हैं, एक बार आप पेज पलटिए और वहां देखिए कि क्या लिखते हैं, लिखते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा सर, फिर आते हैं सर डिबेंचर पे। डिबेंचर बेटा 1.5 लाख रुपए की डिबेंचर थी, डिबेंचर 1.5 लाख से अब कितना हो गया? 1 लाख। तो यहाँ पे डिबेंचर की जो वैल्यू है बेटा वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है। तो डिबेंचर की वैल्यू जब कम हो रही है इसका मतलब कि हमने पेमेंट कर दिया होगा डिबेंचर का, कितना पेमेंट करा होगा? 50,000 रुपए का। तो ये डिबेंचर के लिए आप क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर आते हैं सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एसपीआर इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा, 40 से 50 हज़ार का इंक्रीज हो गया है। तो ये 10,000 रुपये का डिबेंचर, 10,000 रुपये का जो है एसपीआर हमारे पास आया है वो तभी आता है जब डिबेंचर या शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को हम इशू करते हैं, जो कि डिबेंचर्स में आप देखेंगे इशू नहीं हो रहा था, इक्विटी शेयर इशू हुआ था, उसकी वजह से ये 10,000 रुपये मेरे पास इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। आप इंक्रीज इन ऐसे लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप ये जो इक्विटी शेयर का 4 से 5 लाख हुआ था 1 लाख उसी में ऐड भी कर सकते हैं इसको। समझ में आया बेटा? इक्विटी शेयर्स की 4 लाख से 5 लाख की वैल्यू, इसके मतलब इंक्रीज हो गया है। डिबेंचर्स की वैल्यू 1.5 लाख से 1 लाख था, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू 10,000 बढ़ गई है। ये है हमारा इनफ्लो, ये वाला जो है डिबेंचर जो है वो आउटफ्लो, क्योंकि कम हो रहा है, हमने पेमेंट किया है इसमें। और 40 से 50 हज़ार हो जाना इसका मतलब भी है इनफ्लो। और बैंक ओवरड्राफ्ट की बात अगर करें तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो 1.5 से 2 हो गया, इसका मतलब कि ओवरड्राफ्ट और ज्यादा किया होगा आपने बैंक से, तो आपके पास पैसा आया होगा, कितना? 50,000 रुपए आया है, ये इनफ्लो है बेटा। और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 10,000 से कितना हजार है? 15,000 रुपए। 10,000 से इंटरेस्ट 15,000 है। सर ये जो दो दो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है इसका क्या करना है? बेटा ये देखो, इंटरेस्ट जो होता है वो ईयरली वाइज होता है, हर साल इंटरेस्ट अलग अलग जाता है। मैं कैश फ्लो बना रहा हूँ 2017 में, ध्यान रखेंगे। तो हमें ना प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं, मुझे करंट ईयर का इंटरेस्ट चेक करना है। दूसरा जो है डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट हमें देखना होता है। अगर क्वेश्चन ने पहले से मेंशन कर रखा है तो हमें वही इंटरेस्ट लेना है, और नहीं मेंशन कर रखा है तो हम अपना कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आसानी के लिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर आपके सामने गिवन है पहले से 10,000, तो हम यही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ले लेंगे। अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से मैं इसको फॉर्मेट बनाता हूँ और करता हूँ, आप साथ साथ में मेरे करेंगे बेटा। चलिए जी, एक मिनट, पेन कहाँ गया? हाँ मिल गया बेटा। आइए सबसे पहले मैंने लिखा इलस्ट्रेशन नंबर बेटा, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 37, ठीक है बेटा। उसमें इक्विटी शेयर की जो वैल्यू थी 4 लाख से 5 लाख हो गई थी, इंक्रीज हो रही थी, उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कितना इशू हुआ बेटा? 1 लाख का। उसके बाद आते हैं डिबेंचर्स के बारे में, डिबेंचर की वैल्यू कम हो रही है,
रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर अगर आप देखेंगे तो कितना रिडेम्पशन है बेटा, 50,000। इसको आप माइनस में लिख देंगे ब्रैकेट करना, ठीक है सर। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है जो कि 40 से 50,000 हो गया, तो आप ये लिख दीजिए इंक्रीज, इंक्रीजेस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000। इसी जो 10,000 है इसको आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते थे, 1 लाख में भी बेटा। फिर आते हैं बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की जो वैल्यू है वो 1.5 लाख से कितने की हो गई है, 2 लाख रुपए। ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो आप इंक्रीज लिख सकते हैं इसमें भी। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये अमाउंट है बेटा 50,000। इंक्रीज हो रहा है यानी पैसा हमारे पास आया होगा, इसलिए मैं प्लस में लिख रहा हूँ। उसके बाद था बेटा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्होंने दे रखा था इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000,000 तो हम वही लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे करंट ईयर का इंटरेस्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर का नहीं देखेंगे बेटा। तो 15,000 जो है वो हम लिख देंगे। उसके बाद आ जाएंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर जो कि नीचे गिवन है, उसको भी एज इट इज उतार देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और उसका अमाउंट जो है बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कितना है, 10,000 है, ठीक है जी। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा सर, कंप्लीट करने बाद इसको हम अगर प्लस माइनस करें, एक मिनट को कैलकुलेटर देख लूं मैं जरा। चलिए बेटा यहाँ पे आ गया आपका 85,000 प्लस में आ रहा है आंसर। ये माइनस में भी आ सकता है बेटा, अगर प्लस में आएगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर अगर माइनस में होता तो बेटा, अगर माइनस में होता तो ये फ्लो की जगह, ये जो कैश फ्लो फ्रॉम दिख रहा है ना, अगर ये माइनस में होता तब की बात कर रहा हूं, अगर माइनस में आंसर होता तो आप लिखते कैश यूज्ड इन, क्या लिखते भाई, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कब लिखेंगे, जब चीजें किस में होंगी, माइनस में होंगी। तो ये मैंने बताया ऐसा करना नहीं है यहाँ पे, जब माइनस में होगा तब लिखना होगा हमें ये चीज, उससे पहले हमें नहीं लिखना होगा। ओके, समझ में आ गई बात। ये इलस्ट्रेशन नंबर हमने 37 लिया था सर, और भी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग फाइनेंस का, ठीक है। जब 5, 7, 10 क्वेश्चन बना लेंगे उसके बाद जाके हमें पता चलेगा कि फाइनेंस में पूरी तरीके से क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और जो जो मैं करवा रहा हूँ पहले आपको वही करना है, जब उसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए तब दूसरे क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है बेटा। आइए बेटा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मैंने एक्सरसाइज में से 37 क्वेश्चन लिए, आपकी बुक में अलग हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिएगा, आगे पीछे होगा थोड़ा बहुत। देखिए मैं पहले आपको आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया बेटा। जब हम थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद आएंगे हम लोग थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो 37 मैंने आपसे बोला, 37 को एक बार अच्छे से एनालाइज करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या है कहानी में। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्वेश्चन ऊपर पढ़ सकते हैं आप, लिखा हुआ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्फो सॉरी फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है सर। और उसमें लिखा हुआ इक्विटी शेयर्स की वैल्यू पहले 9 लाख की थी, अब कितने की हो गई इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बेटा, 10 लाख। कैसे पता चला सर, प्रीवियस ईयर 2016 और 2017 ईयर का ध्यान रखेंगे आप, तो 2016 में 9 लाख रुपए का था, अब 10 लाख हो गया। इसका मतलब कि हमने इशू किया होगा इक्विटी शेयर्स और उसकी वजह से इनफ्लो हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आप देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज 10,000 है, आप चाहें तो इसमें ऊपर इक्विटी शेयर में ऐड कर दें या अलग से लाइन लिख सकते हैं। डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स का पेमेंट 1.5 लाख से अब 1 लाख रुपए हो गया है, इसका मतलब कि डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया होगा, रिडेमिशन ऑफ डिबेंचर हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, और उस पर 12% का इंटरेस्ट है। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो भी गिवन हो बेटा वही के वही लिख देंगे हम लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 कर दूं, और आप चाहें तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं बेटा। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में, इक्विटी शेयर्स में क्या लिखा हुआ था।
ये था एक्सरसाइज का 37 क्वेश्चन नंबर, और इक्विटी शेयर्स के बारे में लिखा हुआ है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वैल्यू की बात करें तो पहले 9 लाख से अब 10 लाख हो गए, इसका मतलब 1 लाख का इश्यू है। और एसपीआर की बात करूं तो मैं इंक्रीज लिख रहा हूं, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो अमाउंट है बेटा 10,000 का। और डिबेंचर्स की बात करें उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आप क्या लिखते हैं, डिबेंचर्स की वैल्यू कम हो जाए तो लिखते हैं रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स, और वैल्यू है बेटा उसकी 50,000। रिडेम्पशन है इसका मतलब आपने पेमेंट किया था तो पैसा आपके पास से गया होगा, तो हमने इसको माइनस में लिख दिया। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दे रखा है पहले से ही, तो आप लिख दीजिए उसको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है आपके पास बेटा 18,000 माइनस में। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस में क्यों बेटा, आपने लोन ले रखा था, आपने पैसे ले रखे थे कर्ज, तो आप ही तो पेमेंट करेंगे ना उसको, पेमेंट करेंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, तो ये 68,000 आपका माइनस में और 1,10,000 आपका जो है वो प्लस में है। ठीक है जी, तो 1,10,000 में से 68 को अपन माइनस करते हैं तो 2, और ये 42, ये 42 आया बेटा, लेकिन ये 42 किस में आया, प्लस में आया। प्लस में आता तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा सर माइनस में आता तो क्या करते, हम लिखते कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, और कुछ क्वेश्चन निकालते हैं जिसमें सिर्फ फाइनेंस ही हम करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे मैं पहले इजी से थोड़ा आगे बढ़ता जाऊंगा, इजी उससे थोड़ा सा टफ उससे थोड़ा टफ, ऐसे करके आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टफ पहले ही हम कर ले। ठीक है जी, आइए बेटा आगे पढ़ते हैं अब जरा हम।